हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिस्कवरी संजय टेक। तो आइए आज हम बात करेंगे रूम का मेन बोर्ड का पॉइंट कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो चलिए हम वीडियो के माध्यम से आपको रूम का मेन बोर्ड का पॉइंट कैसे सेटिंग करते हैं उसे हम बताते हैं। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो हम वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 18 मॉडलर का कनेक्शन बोर्ड है जो हेवल्स कंपनी का है। इसमें आपका 13 कनेक्शन है जो आप इसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक मेरा डमी लगा हुआ है, ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है जो ओनली इंडिकेटर में कनेक्ट है। उसके बाद ये बोर्ड का कनेक्शन आप देख रहे होंगे, बोर्ड का कनेक्शन हम पिछले वीडियो में बनाए हुए थे, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप में दे देंगे जाकर देख सकते हैं। ये आपका एमसीबी है जिसमें हम मेन सप्लाई कनेक्शन देंगे। तो बोर्ड में पॉइंट कनेक्शन को कनेक्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बोर्ड कनेक्शन तो बोर्ड कैसे होगी लगाएंगे, तो आइए हम बोर्ड को लगाते हैं। हमारा बोर्ड उस जगह लगेगी, आप कनेक्शन को देख सकते हैं। कनेक्शन बनाना भी हम पिछले वीडियो में बनाए हुए थे, इसे आप जाकर देख सकते हैं। बोर्ड का पॉइंट हम दिखा देते हैं, पॉइंट और जगह है हमारा, लेकिन फिलहाल इतना ही दिख रहा है तो इतना ही देख लीजिए। इसमें मेरा 13 पॉइंट बन रही है, तो 13 कनेक्शन मेरा यहाँ पे निकाला हुआ है। न्यूट्रल पॉइंट, प्लस पॉइंट और एक इन्वर्टर पॉइंट है, उसका कनेक्शन अभी भी कर सकते हैं या इन्वर्टर लगने के बाद भी कर सकते हैं। तो हम लोग का करने का अलग नियम होता है, तो हम लोग दो पॉइंट को दे देते हैं। इसे हम मेन सप्लाई में दे देंगे ताकि आपका पूरा बोर्ड में लाइट पॉइंट चला जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पूरा पूरा समझ आ जाएगा। मेन लाइट है जो बोर्ड का पावर सप्लाई देता है। इसे घुमाकर अच्छे तरह से कस लेंगे, नहीं तो यही स्पार्किंग करती है। ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है तो ओनली एक इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर में हम इसे जोड़कर टेप के जरिए अच्छे से लगा लेंगे। ये आपका ये इन्वर्टर पॉइंट है जिसे हम इन्वर्टर कनेक्शन में इसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये दो कनेक्शन मेरा इन्वर्टर का है जिसमें हम लाइट पॉइंट कभी नहीं देंगे। ये आपका रेगुलेटर का है जिसे हम पंखा पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, ये सब मेरा बटन स्विच है जिसमें हम एक एक पॉइंट को कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट में हम 13 कनेक्शन को कनेक्ट कर देंगे जो आप इसे देख रहे हैं। आइए से हम वीडियो को लंबा ना हो इसकी वजह से जल्दी जल्दी कस लेते हैं। वीडियो में कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये आपका बोर्ड बनकर तैयार हो गई जिसे हम यहाँ पे कंसील बॉक्स में कस देंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टाटा।